प्रणाम गुरु जी। खुश रहो, मस्त रहो। मास्क लगा कर नहीं आया चिंटू आज? कल मास्क लगा कर आना। जी गुरु जी, एक बात पूछनी थी आपसे। अभी नौकरी लेनी है मुझे, पटवारी का फॉर्म तो भरा हुआ है मेरे, और सुना था फरवरी में परीक्षा है। आप थोड़ा क्लियर करें ना, परीक्षा वगैरह कब है, क्या कुछ पढ़ना है कुछ बताइए ना जरा। सुना तो सही था, अब फरवरी में परीक्षा ना होकर परीक्षा जो है वो जनवरी में होगी। ये गुड न्यूज है आपके लिए। पटवारी की तैयारी करनी है तो केवल 100 दिन है तैयारी करने के लिए। बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा चिंटू बेटा, इतना आसान नहीं है। जी गुरु जी, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे बस। वो तो मिलता रहेगा, बस एक सिंपल सा काम कर ले, यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। प्रदीप राजपुरोहित ऑफिशियल नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी भेज देना जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस क्लास में भी मैं पटवारी से संबंधित बहुत सारी बातें बताऊंगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या कुछ है, काफ़ी कुछ बातें सीखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना, पूरा मन ध्यान चित्त लगाकर बैठना क्लास में। जी गुरु जी, गुरु जी बस आप सिलेबस वगैरह क्या है, कितना कुछ पढ़ना है वही बता दीजिए, कौन कौन सी किताबें पढूं, इतना विस्तृत सिलेबस है, थोड़ा मार्गदर्शन करें। सिलेबस तो बहुत बड़ा है इसका, पहाड़ जैसा सिलेबस है। सिलेबस में जीके में सब कुछ दे रखा है, भारत का जीके पूरा है। भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, कला संस्कृति, राजनीति विज्ञान, करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, ये जीके जीके सब मिलाकर लगभग 68 सवाल आएंगे, 68 प्रश्न आएंगे बेटा जीके के। उसके अलावा कंप्यूटर के भी 10 प्रश्न आएंगे, लैंग्वेज के भी जो है 22 प्रश्न आने वाले हैं। 11 प्रश्न हिंदी के आएंगे, 11 प्रश्न अंग्रेजी के आएंगे, मैथमेटिक और रीजनिंग के भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ्स रीजनिंग के लगभग 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पेपर तो बहुत तगड़ा होने वाला है, काफी शानदार होने वाला है। बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तैयार हो आप? तैयार तो हूँ गुरु जी, बस आप ये बता दो क्या क्या पढ़ू मैं, इतने सारे सब्जेक्ट में कौन कौन सी किताबें पढ़ू, ऑथेंटिक किताब कौन सी पढ़ू, कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा विस्तृत बताओ आप, थोड़ा क्या क्या पढ़ना है कुछ, ताकि इस बार पटवारी बन जाऊंगा, बस बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपके आशीर्वाद से पटवारी तो बन जाऊंगा मैं। आप थोड़ा सा बता दो कौन कौन सी किताबें पढ़ू मैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ किताबें मैं आपको बताऊंगा बेटा चिंटू। जैसे इंडिया जीके का जो पोर्शन है, जहाँ पर लगभग 38 प्रश्न आएंगे इंडिया जीके में से, इंडिया जीके के 38 प्रश्नों में साइंस भी आएगी, भूगोल, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारा मिलाकर लगभग 38 प्रश्न, 38 प्रश्न पूछे जाएंगे इंडिया जीके से। उसके लिए लुसेंट की किताब आती है, लुसेंट इंडिया जीके, वो पढ़ सकते हो, अच्छी किताब है। बाकी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हो, क्लास 10th 11th 12th, कक्षा 11वीं 12वीं और 10वीं, इनकी एनसीईआरटी की किताबें, सब्जेक्ट वाइज आप इतिहास की, भूगोल की, राजनीति विज्ञान की, ये किताबें पढ़ सकते हो, ये भी बेहतरीन किताबें हैं, शानदार किताबें हैं। इसके अलावा राजस्थान जीके में भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थान जीके में से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 30 प्रश्न जो होंगे उसमें राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान का करंट अफेयर्स, राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस, काफ़ी सारा विस्तृत है। उसके लिए अगर विस्तार से बताना चाहूँ मैं, ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, लिखते रहना चेटा चिंटू, काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए हिंदी ग्रंथ अकेडमी किताब आप पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी के लिए भी एक किताब पढ़ सकते हो आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी की, अकेडमी का नाम बता रहा हूँ, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब बहुत शानदार आती है, RajHG.com जो है इसकी वेबसाइट है, वो सर्च कर लेना भले। और राजस्थान जीके में ये सब कुछ पढ़ लेने के बाद पॉलिटिकल साइंस जो बचेगा उसके लिए एक शानदार किताब है, जनक सिंह मीणा, वो पढ़ लेना, वो भी शानदार किताब है। वो पढ़ ली अगर आपने तो एक किताब और है एम लक्ष्मीकांत नाम से, वो भी अच्छी किताब है, शानदार किताब है पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स के लिए जो है लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की किताब आती है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो पढ़ लेना, बहुत शानदार है। बाकी करंट का सेशन जो है उसमें बहुत सारी किताबें पढ़नी है, करंट के जो मुद्दे हैं वो अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ूं गुरु जी? करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए मूमल अच्छी किताब आती है, वो पढ़ सकते हैं बेटा, कॉर्नोलॉजी पढ़ लेना महीने के महीने। और एक राजस्थान सरकार की किताब आती है सूजस, वो बेहतरीन आती है, वो भी पढ़ लेना। ये 3 किताबें ऑथेंटिक किताबें हैं तीनों के तीनों, ये रेगुलर पढ़ते रहना, अखबार जो है रोज पढ़ते रहना, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मोस्ट फैक्ट जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप एक डायरी में नोट करते रहना, बस इतना कर लेना पर्याप्त है। बाकी रेगुलर जो करंट अफेयर लिखते हो उसको साप्ताहिक रिविजन जरूरी है, साप्ताहिक भर का जो करंट आपने पढ़ा वीकली पढ़ो,
तैयार करो और उसको सप्ताह भर का जो भी बड़ा हुआ आपने मैटर तैयार किया, उस मैटर को वापस रिवीजन करो। हर संडे का एक रिवीजन एपिसोड चलाओ करंट अफेयर के लिए। बाकी एमसीक्यूज करो बहुत सारे, प्रैक्टिस सेशन करते रहो साथ साथ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, काफी कुछ हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, पर कंटेंट जो है वो रेगुलर पढ़ना पड़ेगा और उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। ऑथेंटिक किताबें तो यही है, बाकी न्यूज़पेपर का थोड़ा विशेष ध्यान रखना, जो रेगुलर पढ़ना है न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही रहना रेगुलर। बाकी किताबें वापस रिपीट कर लेता हूँ, कॉर्नोलॉजी आती है अच्छी किताब है, और मूमल जो है वो भी अच्छी किताब है। इन दोनों को पढ़ने से राजस्थान का घंटा फिर अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। और ऑथेंटिक गवर्नमेंट की जो योजनाएं वगैरह है उसके लिए किताब आती है सूजस, जिसमें जो वर्तमान लेटेस्ट आंकड़े क्या है सरकार के योजनाओं के, वो सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएगी, तो वो भी अच्छी किताब है सूजस, वो भी मंगवा लेना, महीने के महीने आती है, वो भी पढ़ते रहना। और ये सब कुछ पढ़ लेते हो और लगता है कुछ और स्पेशल करना है तो वार्षिकांक का सेशन भी ले लेना, जो भी मार्केट में अवेलेबल हो लेटेस्ट वार्षिकांक। अभी अर्ध वार्षिकांक का भी रिविजन चल रहा है काफी कुछ, एक हरि सिंह रत्नू की किताब आएगी लगभग, इस साल खत्म हो गया था उस टाइम करंट अफेयर का सेशन, वो किताब पढ़ लेना, वो भी अच्छी किताब है। बस वही है, पढ़ते रहना है, कंटेंट अच्छा सा क्रिएट करना है और सेल्फ नोट्स बनाते रहना साथ साथ, ताकि एग्जाम टाइम में जो हाथ के लिखे हुए नोट्स बनेंगे ना वो आपका सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है, ये जितनी सारी किताबें बताई इनमें से कोई भी किताब, एक किताब दो किताब फॉलो कर लो और उसको रेगुलर लिखते रहना नोट्स, बस मैटर तैयार करते रहना, 2-3 महीनों में अच्छा खासा मैटर तैयार हो जाएगा। और पिछले साल का करंट तैयार करना है उसके लिए कोई वार्षिकांक ले लो पिछले एक साल का, मिल जाएगा मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारे, बस इतना पर्याप्त है करंट अफेयर के लिए। हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या पढ़ो गुरुजी, हालांकि प्रश्न तो गिरा गिरा आएंगे, दोनों में कमी है। हिंदी और अंग्रेजी के लिए बेटा चिंटू, हिंदी में आप नवीन हिंदी व्याकरण करके किताब आती है, वो अच्छी किताब है, एनसीईआरटी की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, राजस्थान गवर्नमेंट की किताब है नवीन हिंदी व्याकरण, एक तो वो पढ़ लेना। एक राजेंद्र सिंह सिंह भी करके किताब आती है हिंदी व्याकरण की, हिंदी में जो ग्रंथ अकेडमी है उसकी किताब है, बहुत शानदार किताब है, वो पढ़ लेना है। और इससे भी अच्छी आपको पढ़नी है ना तो एक आती है ज्ञान वितान नाम से किताब आती है हिंदी व्याकरण की, ज्ञान वितान, और तगड़ी किताब है। अभी 3-4 किताब बताई मैंने नाम, इनमें से कोई भी एक किताब दो किताब फॉलो कर लेना और रेगुलर लिखते रहना, पढ़ते रहना, हिंदी के लिए मैटर पर्याप्त है। बाकी हिंदी में वही है, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, रोज के रोज एक एक टॉपिक के टेस्ट टाइप आप प्रैक्टिस करते रहना। जैसे आप आज आपने संधि पढ़ ली तो संधि पढ़ने के बाद संधि के 50 प्रश्न कर लो, रोज का एक टॉपिक सेलेक्ट करना और उसके 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेशन रोज निकाल देना, हो जाएगा हिंदी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। रही बात इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का सिलेबस तो बहुत कम दे रखा है, इसमें अनसीन पैसेज है और कॉमन एरर करके है, सिनोनिम सेटोनिम से वन वर्ड्स कुछ सरल सरल टॉपिक है। अंग्रेजी के लिए मैं जो एक सरल सी किताब बताऊंगा वो पढ़ लेना, किरण पब्लिकेशन की आती है, कॉमन एरर नाम से किताब आती है, किरण पब्लिकेशन कॉमन एरर, अच्छी किताब है, उसमें प्रैक्टिस सेशन बहुत सारे दे रखे हैं और ये एग्जाम में फायदा दिलवाते हैं। ये दो किताबें, 3-4 किताबें मैंने बताई है अंग्रेजी में, एक किताब बताई है, बाकी हिंदी में 2-3 किताबों के नाम बोले मैंने, उनमें से जो अच्छी लगे आपको देख लेना। मुझे तो ये 3 किताब अच्छी लगी, और पर्सनली बताऊँ तो मैं अंग्रेजी में तो किरण पब्लिकेशन बेस्ट है, वो पढ़ लेना। और हिंदी में जो है वो राजेंद्र कुमार सिंह भी, वो द बेस्ट है, राजेंद्र कुमार सिंह भी जरूर पढ़ना। 2 किताब के नाम बताए मैंने, एक किताब अंग्रेजी में, एक किताब हिंदी में, इन दोनों किताबों को रेगुलर फॉलो कर देना और रेगुलर पढ़ते रहना, हो जाएगा हिंदी अंग्रेजी में बेड़ा पार। ठीक है जी गुरु जी, कंप्यूटर के लिए क्या पढ़ूं ये भी थोड़ा बता दे, मैथ्स रीजनिंग में क्या पढ़ूं ये भी बता दे, तो काफी कुछ सिलेबस पूरा कवर हो जाता मेरा भी, साइंस में भी थोड़ा बहुत बता दे। साइंस के लिए बेटा चिंटू, 10th क्लास की किताब आती है जनरल साइंस की, एक तो वो किताब अच्छी है, वो पढ़ लेना अच्छे से। बाकी लूसेंट की जनरल साइंस की एक प्रैक्टिस सेशन आता है, वो पढ़ लेना, वो भी शानदार है। ये दोनों किताब अच्छी है, अच्छे से पढ़ लेना, साइंस के लिए पर्याप्त है। और भी ज्यादा मैटर पढ़ना है, कंटेंट वाइज पढ़ना है, एक लुसेंट जनरल साइंस की पूरी अच्छी किताब होती है, ऑथेंटिक साइंस की आती है पर्टिकुलर, लुसेंट सामान्य विज्ञान करके, उसमें ऑथेंटिक सारी चीजें जो है विस्तृत मिल जाएगी, वहां से सारा का सारा डाटा मिल जाएगा और बहुत सारे प्रैक्टिस के साथ वो वाली किताब मिल जाएगी मार्केट में। वो 2-3 किताबें हैं, ये पढ़ लेना, साइंस के लिए पर्याप्त है। और बाकी प्रैक्टिस करते रहना, ये ध्यान रखना साइंस के अलावा। रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स रीजनिंग के अंदर जो भी मार्केट में अवेलेबल किताबें हैं, मैथ्स रीजनिंग के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा, बाकी कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। रोज का हर टॉपिक का जो कंटेंट है शॉर्टकट है, बहुत सारे कम टाइम में बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए। तो ऑथेंटिक किताब बहुत सारी है, आप कोई भी पढ़ लेना मैथ्स और रीजनिंग के लिए, मार्केट में जो अवेलेबल है, हालांकि आप सबके पास होगी कुछ कुछ किताबें तो मैथ्स रीजनिंग के लिए, फिर भी अगर एक चीज बता देता हूँ, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट रहेंगे आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए। यूट्यूब के टॉपिक वाइज वीडियो सेलेक्ट करो आप, उनको देखो और व्यवस्थित लिख लो, जैसे परसेंटेज है कि 3 घंटे की परसेंटेज की क्लास बनी हुई देखी मैंने यूट्यूब पर, उस 3 घंटे की क्लास में परसेंटेज का पूरा निचोड़ आ गया, तो वो पढ़ लो आप, ऐसा करोगे तो मैथ्स तैयार हो जाएगी। बाकी आर एस अग्रवाल करके किताब आती है मैथमेटिक्स में, वो अच्छी किताब है, और आर एस अग्रवाल की रीजनिंग की किताब भी आती है, वो भी अच्छी किताब है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रैक्टिस के क्यूज वहां से ले सकते हो। बाकी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप YouTube से भी हेल्प ले सकते हो और रेगुलर लिखते रहना, काफी सारी चीजें प्रैक्टिस करते रहना। मैथ्स का एक पेपर रोज का सॉल्व करना, रोज का 1 घंटा मैथ्स को दे देना, ये एक टारगेट रखना, बस पर्याप्त है इतना। ठीक है, और कंप्यूटर के लिए
लुसेंट की कंप्यूटर की किताब आती है, वो अच्छी किताब आती है, वो पढ़ लेना। आर के सी एल की भी किताब आती है, आर एस टी का जो कोर्स करते हैं उसके साथ एक किताब मिलती है, वो भी एक अच्छी किताब है, वो देख लेना। और एक लेटेस्ट किताब और लॉन्च हुई अभी दक्ष पर पब्लिकेशन की, दक्ष पब्लिकेशन जो है उसने कंप्यूटर की किताब लॉन्च की है जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी दे रखे बहुत सारे, वो भी अच्छी किताब है। तो ये सारा डाटा पढ़ने के बाद एमसीक्यूज वहां से सॉल्व कर लेना, इतना मैटर तैयार करोगे तो कंप्यूटर भी तैयार हो जाएगा। तो ये पूरे पूरे लगभग जो सिलेबस है जहाँ लैंग्वेज के, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, जीके, सारी चीजें मैंने बता दी व्यवस्थित, ये सारा पढ़ लेता अगर रेगुलर पढ़ लेना ना तो पटवार में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा हंसते खेलते। ये काफी सारा विस्तृत बता दिया मैंने। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी चीजें बताई। पर अब ये एग्जाम परीक्षा कब है ये तो बता दो, तारीख वगैरह कितने दिन मिलेंगे मुझे तैयारी करने के लिए, रोज कितना घंटा पढ़ूं और कुछ होमवर्क वगैरह हो तो ये बता दो फटाफट। पटवार का एग्जाम जो बेटा वो 10 जनवरी, 17 जनवरी और 24 जनवरी को, ये तीन दिन एग्जाम होगा, दो दो शिफ्ट में होगा, छह शिफ्ट में एग्जाम होगा ये। 10 जनवरी को दो शिफ्ट में होगा, एक एग्जाम सुबह होगा, एक शाम को होगा, दोपहर को होगा। 17 को भी एक सुबह होगा, एक दोपहर को होगा, दो शिफ्ट में एग्जाम होगा। ऐसे छह शिफ्ट में एग्जाम होंगे आपके। और तारीख लिख लेना बेटा, 10 जनवरी को, 17 जनवरी को और 24 जनवरी को, इन तीन में से कोई भी तारीख आपकी किस्मत में खुल सकती है। और अगर एवरेज सबसे कम तारीख भी लेके चले, अगर 10 जनवरी को एग्जाम मान के चले तो एवरेज 100 दिन मिलेंगे तैयारी को अभी से, तो 100 दिन है, ये शतक लगा लिया आपने अगर स्टडी का तो फिर सिलेक्शन पक्का है। रोज का कितना घंटा पढ़े सेल्फ स्टडी, इसका जवाब ये है कि आपको 8 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही है, 8 घंटे पढ़ लिए तो सिलेक्शन पक्का, ये टारगेट ध्यान रखना। बाकी कोई दिक्कत आए, कोई तरह की समस्या आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कभी भी पूछ लेना। मेरे सोशल मीडिया के जो लिंक है, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, यूट्यूब के, टेलीग्राम चैनल के, वो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए मैंने, इंस्टाग्राम के, वो वहां पर मुझे फॉलो कर देना। और कोई समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी तैयारी करते रहना। ये था आज का काफी सारा विस्तृत चर्चा जहां मैंने पटवारी से संबंधित बहुत सारी बातें बताई तेरे को, ठीक है जी। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी चीजें बता दी मुझे, मुझे बस पटवारी बनना है। फॉर्म भरा हुआ है, आपने काफी सारी रणनीति जो बताई है उसके तहत मैं सारा कुछ काम करने वाला हूँ। और आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया मैंने, और अपने दोस्तों को लिंक भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा, और आपको सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर दूंगा। फेसबुक पर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना आप बस, और बस आपका आशीर्वाद बनाए रखना। मैं तैयारी करना शुरू कर रहा हूँ, कोई होमवर्क वगैरह हो तो दे दो फटाफट, फिर मैं तैयारी के साथ अगले कड़ी में मिलूंगा आपसे, बहुत ज्यादा कोई डाउट लेके आऊंगा। हाँ बेटा, डाउट है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और होमवर्क से याद आया कि आज जो है वो 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, तो महात्मा गांधी जी के उपदेश, उनकी जो विचारधारा है अहिंसावादी विचारधारा, उनको जीवन में उतारना। और उनका एक प्रिय गीत भी, वैष्णव जनते, वो गीत जरूर सुनना बेटा आज, और उस गीत को सुनने के बाद आत्मसात भी करना, अच्छे उसको मनन भी करना उस गीत को, और बढ़िया सेल्फ स्टडी के साथ अपने लक्ष्य को लेकर निकल पड़ो इस राह पर, आप सफल जरूर होंगे एक दिन, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और भी कोई समस्या है तो आप पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाओ, 100% मेहनत करो, और प्रॉपर सिलेबस, प्रॉपर किताबों के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करो। और एक टारगेट है आपको, मेरी तरफ से एक छोटा सा लक्ष्य दिया गया, एक छोटा सा होमवर्क समझ लो इसको। होमवर्क यह है कि एक तो आपको गांधी जी का जो प्रिय गीत था ये सुनना है अच्छे से, उसको मनन करना है, और आपको गांधी जयंती की शुभकामनाएं, ठीक है। दूसरा होमवर्क यह है कि रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। और 1 दिसंबर तक पूरा का पूरा कोर्स अच्छे से कर लेना है, ठीक है। धन्यवाद जी। गुरु जी आपको भी गांधी जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके कीवे पर बहुत सारी चीज़ें अमल करूंगा, आपका आशीर्वाद बनाए रखना बस, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सलाह मेरी यह है कि सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखना इन 3 महीनों के लिए, तो फिर सिलेक्शन में और आसानी होगी, और मेहनत में पूरा ध्यान देना अपनी तरफ से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर शुभकामनाएं, इस बार पटवारी की नौकरी लगानी है, ठीक है ना, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।